केंद्र सरकार की ओर से हिट एंड रन कानून में जो बदलाव किए गए हैं जिसको लेकर के पूरे देश में अब आक्रोश देखने को मिल रहा है सबसे पहले आपको ये बता दें कि आखिर हिट एंड रन कानून में जो है केंद्र सरकार की ओर से क्या बदलाव किए गए हैं बदलाव यह किया गया है कि पहले जब कभी भी सड़क दुर्घटना होती थी बस ड्राइवर की ओर से या ट्रक ड्राइवर की ओर से ऐसे कई सारी बड़ी जो गाड़ियां हैं उनके ड्राइवर की ओर से ऐसी दुर्घटना होती थी सड़क पर तो उस वक्त क्या होता था कि वो दुर्घटना स्थल से बिना किसी को इन्फॉर्म किए हुए वहां से निकल जाते थे लेकिन अब जो कानून में बदलाव हुआ है ये बदलाव ये है कि यदि ट्रक ड्राइवर या फिर किसी भी ऐसे चालक के चालक से ऐसी दुर्घटना होती है तो आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना अनिवार्य कर दिया गया है अगर आप पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते तो आपको दस साल की सजा होगी और साथ ही साथ सात लाख रुपए जुर्माना होगा लेकिन कानून में बदलाव होने की वजह से पूरे देश भर में ट्रक ड्राइवर बस ड्राइवर जो हैं वो उन सभी ने हड़ताल कर दिया है देश के कई कोने ऐसी ऐसे तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है हड़ताल की पेट्रोल पंप बंद पड़ा है हाईवे बंद पड़े हैं उन ट्रक ड्राइवर्स हाईवे को जाम करके बैठे हुए हैं उन, उन ट्रक ड्राइवर्स इस कानून को मानने को तैयार नहीं है प्रदेश भर में जल्द ही अब कानून लागू हो जाएगा क्योंकि प्रेसिडेंट की ओर से भी इस कानून को मंजूरी दे दी गई है लेकिन अब हम हमारे न्यूज रूम के लोगों से ही जानते हैं सबसे पहले कि आखिरकार इस कानून में जो बदलाव हुआ है वो कितना सही और कितना गलत है सबसे पहले हमारे साथ पशुपति सर हैं सर जो केंद्र सरकार की ओर से हिट एंड रन कानून में बदलाव किए गए हैं आ, जो दस साल की सज़ा है और साथ साथ जुर्माना इतना बड़ा है उसके आपके हिसाब से ये बदलाव ज़रूरी था या नहीं देखिए कोई भी सजा इस बात पर निर्भर करती है कि आपका मकसद क्या है सजा का मकसद ये है कि आप उस चीज़ को डिमोलाइज करते हैं लेकिन इस डिमोलाइज करने के फेर में हम ये नहीं उस इंडस्ट्री को तबाह नहीं कर सकते अगर आप 10 साल की सज़ा का प्रावधान करते हैं या आप सात लाख रुपए तक का जुर्माना करते हैं तो क्या वो ट्रक ड्राइवर्स या वो जो पूरा एसोसिएशन है वो पूरा बिजनेस है क्या इस तरह के जुर्माने को झेल पाने की स्थिति में है अगर कोई भी व्यक्ति किसी के पास हो सकता है सौ ट्रक का काफिला हो लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास दो ट्रक हैं चार ट्रक हैं पांच ट्रक हैं तो जो लोग जो पूरी सरकार की मुहिम है कि नए लोगों को जो लोग अपना रोजगार करने के लिए आगे आ रहे हैं उनको एक ताकत मिले तो ऐसी स्थिति में वो लोग भी कहीं ना कहीं हतोत्साहित होंगे और उनके लिए भी बहुत मुश्किल होगा दूसरी चीज़ हीट एंड रन के मामले में एक और बड़ी बात यह है कि जब आप आ, ही, आ, कोई हादसा होता है तो कई बार ड्राइवर को ये लगता है कि अगर मैं यहाँ रुका तो मैं भी मारा जाऊँगा उस समय जो आक्रोश होता है तो वो जो सेफ्टी है सिक्योरिटी है वो भी हम लोगों को इंश्योर करनी पड़ेगी सरकार को इंश्योर करनी पड़ेगी कि अगर कोई व्यक्ति उस हादसे के बाद वहाँ रुकता है तो फ़ौरन उसको असिस्टेंस मिले और उसके साथ कोई दुर, दुर्घटना ना हो उसके साथ कोई हादसा ना हो तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये मामला आगे बढ़ रहा है हो सकता है कि अभी ट्रक एसोसिएशन और सरकार के बीच बातचीत में कोई बीच का रास्ता भी निकल सकता है हाँ सर जैसे आपने बोला कि लाइक सबसे बड़ा डर जो मन में ये बैठा रहता है कि एक्सीडेंट करने के बाद अगर जिसने एक्सीडेंट कराया वो रुक जाए वहां पर तो जो जनता होती है कहीं उनको ही ना माने लगे इस वजह से भाग जाते हैं तो सर इस वजह से भी कहीं ये जो इस लॉ को नहीं मानने की वजह से प्रोटेस्ट हो रहा हो नहीं आ, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे अभी हाथ से आ, अभी पूरा जनवरी और दिसंबर का जो महीना है वो फॉग का महीना होता है इसमें क्या होता है कि कई बार आप आ, ड्राइवर कोई ऐसा नहीं है कि वो नेग्लिजेंस ड्राइविंग कर रहा है ये आ, उसको नज़र ही नहीं आ रहा है कई बार इस तरह की स्थितियों में जब हादसे हो जाते हैं तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे सिस्टम डिफ्रेंशिएट नहीं करता है और कई और वो मामला कोर्ट कचहरी और इस पूरे इसमें इतना लिंगर ऑन करता है तो हम लोगों को पूरा ये जो सरकार की मंशा जरूर है कि आप जुडिशियल रिफॉर्म्स और सारी चीज़ें लेकिन इस पूरी रिफॉर्म्स में जैसे आप कभी ये ना होना हो जाए कि जैसे सात लाख रुपए का जुर्माना है तो जो एक डर जो ट्रक एसोसिएशंस की तरफ से है कि इससे उनका हेरासमेंट बढ़ेगा हो सकता है कि जो कुछ मैं सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन अगर सिस्टम में एक दो परसेंट भी रिश्वतखोर लोग बचे हुए हैं तो वो इस तरह के मौक़ों पर आपको गलत तरीके से हरास भी कर सकते हैं तो ये सारा है कि इसको आप आ, अम्ब्रेला ऊपर से आपको देखना पड़ेगा कि सारे स्टेक होल्डर्स का क्या है अब सवाल ये है कि क्या इस कानून के बनते वक्त इस तरह के एसोसिएशन के साथ डिस्कशन हुआ नहीं हुआ लीगल प्रेटर्निटी क्या कह रही है अब चूंकि मुद्दा आया है सामने तो अब डिस्कशंस होके कुछ रिफॉर्म्स होने चाहिए थैंक यू सो अभी हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं उनसे भी जानते हैं कि उनके हिसाब से जो हिट एंड रन लॉ है उसमें जो बदलाव आए हैं वो कितना सही है और कितना नहीं हमारे साथ पढ़ने है पढ़ने आपने ज़रूर सुना होगा कि हिट एंड रन केस में जो है वो बदलाव आए हैं इस लॉ में बदलाव केंद्र सरकार की ओर से किए हैं तो आपके अनुसार ये जो बदलाव हुआ है कितना सही है और जो प्रोटेस्ट पूरे देश भर में चल रहा है वो जायज़ है या नहीं देखिए पहली बात तो जो बदलाव हुए हैं वो देखा जाए तो सही भी है लेकिन इसके साथ सरकार को ये भी करना चाहिए था कि ड्राइवर्स की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए क्योंकि आप देखते होंगे कि अक्सर गलती ड्राइवर्स की नहीं होती लेकिन अगर हमारे देश में ऐसा कि अगर हमारे देश में ड्राइवर एक्सीडेंट करता है तो जो आस के लोग हैं उनका यही मानना होता है कि गलती ड्राइवर्स की है तो और फिर उनके साथ उनको जलाने के केसेस भी आपने कई बार सुने होंगे ऐसे में सरकार को ये भी श्योरिटी देनी चाहिए थी कि अगर ऐसा ऐसी दुर्घटना होती है तो ड्राइवर्स की सेफ्टी माल की सेफ्टी इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए और रही बात जुर्माने की तो कई बार आप ये भी देखते हैं कि हर किसी के बस का नहीं होता है कि इतना जुर्माना भर सके तो मेरे ख्याल से ये कानून लाना सही नहीं है अगर सरकार को लाना है तो हर चीज़ की एश्योरिटी देनी होगी और ये भी देखना पड़ेगा कि क्या सामने वाला उस हिसाब से जुर्माना भर पाएगा या नहीं जैसे कि आपने आप सुना होगा न्यूज़ रूम में भी अभी मैं सबसे ये सवाल कर रही हूँ जो ये हिट एंड रन केस है उसमें लॉ है उसमें जो बदलाव किया गया केंद्र सरकार की ओर से दस साल तक की जेल और सात लाख रुपए जुर्माना तो इसको आप कितना सही समझ रहे हैं और ड्राइवर्स का जो प्रोटेस्ट चल रहा है प्रदेश भर में तो उसके आपके अनुसार ड्राइवर का प्रोटेस्ट क्या जायज़ है इस नए लॉ को लेकर या नहीं देखिए अगर हम ड्राइवर्स की बात करें तो उनका भी कहीं ना कहीं जायज है। अगर केंद्र सरकार अगर ले के आती है तो उनके साथ एक मीटिंग करनी चाहिए थी लेकिन एक ये भी सवाल उठता है कि जब आप रात को बाहर निकलते हैं तो नॉर्मली ट्रक वाले किसी के ऊपर गाड़ी चला के वो भाग जाते हैं वो रुकते नहीं हैं बहुत रेयर केस मिलता है जब वो रुकते हैं लेकिन यहाँ पर सरकार का कहीं से ही, कई लोग बोल रहे हैं सबका एक तरह से आ रहा है लेकिन मेरे हिसाब से लगता है कि ये नियम सही है क्योंकि वो लोग भाग जाते थे अभी अमित शाह ने भी बोला कल कि रेयर केस में अगर वो रुकते हैं तो उन्हें सज़ा नहीं दी जाएगी लेकिन वो रुकते नहीं वो तो भाग जाते हैं तो एक तरह से नया बदलाव किया गया लेकिन बस एक चूक हुई है उनके साथ बैठ के मीटिंग करनी चाहिए थी और हो सकता है कि सजा कम करते या कुछ पैसे का जुर्माना कम करते तो वहाँ पर हमारे ड्राइवर्स मान जाते लेकिन नियम तो सही लग रहा है ये इसका जो रिव्यू निकल के सामने आ रहा है वो दो तरफा है किसी को ये सही लग रहा है तो किसी को नहीं लग रहा है ऐसे में आपका क्या सोचना है कि ये जो लॉ में बदलाव हुए हैं वो सही है या नहीं हमारे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं